मेरा नाम डॉक्टर नजफ़ी बेगम है। मैं सिविल सर्जन आरएमओ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में हूँ। आज अभी तक 17 लोग आए हुए हैं, जिसमें से 6 जनों को हम एडमिट करें और उन लोगों को उसमें से एक बच्चे को सीरियस आई इंजरी है। दूसरों को भी आई इंजरीज है मगर वो रिपेयर हो जा सकते हैं। ये बच्चे को बहुत सीरियस है और उसको दूसरा प्रॉब्लम भी है, उसके लिए हम उसको नीलोफर हॉस्पिटल को भिजा दिए। और क्या कहते सो भाई, ये टाइम हम लास्ट 2 साल से कोरोना की वजह से लोग दीपावली अच्छा नहीं मनाए, मगर ये टाइम हम सोचे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आने का अंदेशा रखने की वजह से हम ज़्यादा टीमों का इधर इंतज़ाम करें, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा नर्सेस और एक्स्ट्रा हर कैटेगरी के लोगों को रखे हॉस्पिटल में। और पूरे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑन कॉल ड्यूटी पे है, अगर कोई केस रेफर करना है तो वो आके इमीडिएटली पेशेंट को देखते हैं और कुछ भी इलाज है जो इमरजेंसी में करना है वो कर देंगे। और पेशेंटों को कल सर्जरी है, ज़्यादातर बच्चे ही है, 2 जने बड़े हैं बस, फ्रॉम 5 ईयर्स से लेके 54 ईयर्स तक है, 16 ईयर्स तक है। आप कुछ मैसेज वगैरह, जो बच्चे पटाखे जला रहे हैं उनको आंख पे चश्मा या कुछ भी ऐनक लगा के जलाना चाहिए, कॉटन कपड़े पहनना चाहिए और बच्चों के साथ उनके एल्डर्स रहना ज़रूरी है, माँ बाप या दादा दादी नाना नानी कोई भी एक बड़े आदमी वो बच्चों के साथ रहना, ताकि ये टाइप के इंजुरीज ना हो बच्चों को। और घर में जब क्रैकर जला रहे हैं ज़रा दूर हट के जलाना चाहिए ओपन एरिया में। और क्या कहते सो भाई, एक पानी का बकेट और एक मट्टी का बकेट रख लेना, अगर अंगार लगी तो इमीडिएटली पानी डाल के बुझा देना। जो बॉम्ब पटाखे रहते ना, सुतली बम रहता, रॉकेट रहता और दूसरे जमीन चक्कर ये वो रहता ना, वैसा वो बस्ट हुए तो, या अनार वो बस्ट हुए तो उसके अंदर शार्पनेस रहते, जैसा कि कंकरे रहते उसमें या कुछ शार्प मेटालिक ऑब्जेक्ट्स रहते, उसके वजह से आँख में इंजुरीज होते।